ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में इन दिनों आशंका के बादल जैसे छाए हुए हैं। ये हालात हैं इन इलाकों में आने वाले चक्रवाती तूफान फैलिन को लेकर। बंगाल की खाड़ी से उठा बवंडर शनिवार शाम तक दोनों राज्यों के तटीय इलाकों तक पहुंच सकता है और इसके मद्देनजर तटीय क्षेत्रों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और मछुआरों को तटों से दूर रहने को कहा गया है। हालांकि इस तरह के प्राकृतिक आपदा तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है और पहले भी लोग इस तरह की स्थितियों का सामना कर चुके हैं। मछुआरों ने पहले भी तूफान देखा है और झेला है। नीलम तूफान और लहरा तूफान के दौरान यहाँ पर कई मछुआरों की जान भी गई थी। 60 से ज्यादा लोग इस तटीय कोट पर मारे गए थे, लेकिन इस बार चेतावनी दी गई है और तमाम लोग एहतियात बरतते हुए अपनी अपनी जीवन की सुरक्षा करते हुए यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार ने पूरी तैयारी की है, प्रशासन ने पूरी तैयारी की है लोगों को मदद देने की और लोगों के सामने और लोगों के लिए केंद्र बनाए हैं, रिलीफ सेंटर्स बनाए हैं। प्रशासन ने तटीय इलाकों में एहतियात के तौर पर सभी जरूरी उपाय किए हैं, खासकर राहत और बचाव दलों और चिकित्सा टीमों को दवा आदि जरूरी सामानों के साथ मुस्तैद रखा गया है। We have already deputed around 5 teams in and around where a cyclone hitting areas, and also we have put 4 teams, and emergency drugs are also with us, general drugs and emergency drugs, especially the ORS, over rehydration solutions, and also we are requesting the general public to take care and use drinking water, safe drinking water, and also use chlorine tablets will be supplied by our team expert, the team people will be giving, and we'll be closely monitoring with our ANMs and supervisors. फैलिन तूफान से आंध्र प्रदेश में खासकर उत्तर पश्चिम तथा उत्तरी इलाकों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में भारी वर्षा और तेज हवाओं की आशंका जताई है, जिसे देखते हुए सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। आपात स्थिति यहाँ रहने वाले लोगों के लिए भी है जो फैलिन नामक इस प्राकृतिक आपदा से अपना सब कुछ बचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। बाबताला गुंटूर से आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।